चलिए आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे आइडेंटिटी। क्या पढ़ेंगे? आइडेंटिटी। क्या उस दिन हम लोग जहां तक पढ़े थे उसके आगे आज पढ़ेंगे। उस दिन हमने पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको हमने निकाला था। ये हम पिछली कक्षाओं में साथ में पढ़ चुके हैं। वहां हमने ये भी पढ़ा था a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, और एक आइडेंटिटी और पढ़ी थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी गुणे ए माइनस बी। ये हम साथ में पढ़ चुके हैं, ठीक है। एक का मैंने पिछली उसमें दिखाया था आपको कैसे करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कक्षा आठ हमारा जहां से शुरू है पहली आइडेंटिटी ए प्लस बी की होल क्यूब बराबर ए की क्यूब प्लस थ्री ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस बी की हर तीन या बी क्यूब, ठीक है। अब पहले हम ये देखेंगे कि हमें मिलता कैसे है। हमें पता है x की पावर थ्री, इसको हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स, ठीक है। अब इसी तरह से आपकी जो आइडेंटिटी है a प्लस बी की पावर थ्री, इसको देखिए a प्लस बी की पावर थ्री, इसका जो बायां पक्ष है, ठीक है, यहां से हम शुरू करते हैं। ये हम लिख सकते हैं a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी की घात दो, लिख सकते हैं एक घात यहां से दो घात यहां से, दोनों मिलकर कितना हो जाएगी तीन, ठीक है। और ये हमारा क्या है, ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी ना, ए प्लस बी की घात दो बराबर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहां से ये मान ये वैल्यू हम यहां पे लाएंगे, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा ए प्लस बी और ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसके स्थान पे हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये हमने उधर निकाला था यहाँ पे जो ये फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, a प्लस बी और a स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर दोनों का गुणा करेंगे, ठीक है। पहले a से सब में गुणा करेंगे, फिर b से सब में गुणा करेंगे और जो आएगा उसको जोड़ लेंगे। चलिए गुणा करिए, a को a स्क्वायर से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा एक क्यूब, एक घात यहां से दो यहां से दोनों मिलके एक दो तीन प्लस टू, यहां पे ए है यहां पे ए बी है तो ए का ए से गुणा होगा ए स्क्वायर और बी ऐसे रहेगा प्लस ए का गुणा बी से होगा ए बी स्क्वायर प्लस, अब हम बी से गुणा करेंगे सब में, b का गुणा a स्क्वायर से होगा तो b a स्क्वायर प्लस b का गुणा 2ab से होगा तो 2 ऐसे रहेगा 2ab स्क्वायर, ठीक है। और b का गुणा b स्क्वायर से करेंगे तो ये हो जाएगा b क्यूब, ठीक। आप इसको जोड़ लीजिए a क्यूब प्लस यहां पे है 2a स्क्वायर b और यहाँ पे बी ए स्क्वायर, एक यहां से दो यहां से दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे तीन तीन ए स्क्वायर बी, ठीक प्लस ए बी स्क्वायर यहां है और टू ए बी स्क्वायर यहां है, दोनों को मिलाइए थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब या बी की घात तीन। अब इसको हम लिख सकते हैं a की क्यूब प्लस, देखिए यहां भी थ्री है और यहां भी थ्री है, दोनों में कॉमन है, ठीक है। यस सर। a यहां भी है a यहां भी है b यहां भी है और b यहां भी है, दोनों में कॉमन है तो हम यहां से थ्री ए बी कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या कॉमन लेने पर इसे भाग दे देंगे तो यहां बचेगा a, क्या बचेगा a और यहां क्या बचेगा बी, बी गुड, यहां बचेगा बी,
और पहले से क्या है बी क्यूब। अब आप जरा ध्यान से ऊपर देखिए, ये जो हमारी सर्व संख्या थी a प्लस बी की घात तीन बराबर ए क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी प्लस बी क्यूब, सेम आ गया ना। यस सर। ये आपका आर एच ठीक। तो अगर आपको याद नहीं होता है तो आप इस तरह से गुणा करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम इसका यूज देखेंगे, क्या देखेंगे यूज, कैसे हम इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए एक सवाल लगाते हैं, आपकी किताब का एक सवाल है, ढूंढिएगा कहां पे है। सवाल है b प्लस वन क्यूब, इसका हमें प्रसार करना है, क्या करना है प्रसार। और इस आइडेंटिटी की हेल्प से, ये जो आइडेंटिटी है a प्लस बी की होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस थ्री ए बी ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी प्लस बी क्यूब, इससे हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए a के स्थान पे यहाँ b है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहले जो पहला पद है उसका क्यूब करेंगे, बी क्यूब हो गया, ठीक है। प्लस क्या होगा थ्री, क्या होगा थ्री ए बी, यहां पे क्या है बी और वन, तो हम लिखेंगे बी और वन। अब ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, जो यहां ब्रैकेट में है पहले से वही हो जाएगा बी प्लस वन। और लास्ट में क्या होता है जो दूसरा पद है इसका क्यूब, तो यहां पे दूसरा पद क्या है वन, तो वन का क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्यूब, वन का क्यूब, वन की घात तीन, तो ये हो जाएगा बी क्यूब प्लस थ्री बी इंटू वन। वन को किसी से गुणा करेंगे वही आएगा, और थ्री को बी से गुणा करेंगे क्या होगा थ्री बी, और यहां ब्रैकेट में क्या है बी प्लस वन, वन की पावर थ्री कितना आएगा वन, एक को चाहे जितनी बार गुणा करेंगे एक ही आएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, कितना आसान है, गणित से आसान कुछ भी नहीं है, बस पूरे मन से देखो और पढ़ो। आपका एक सवाल ये हो गया, ठीक। एक सवाल हम और लगाते हैं, सवाल है आपकी बुक से ही है, बुक में देखिएगा किस नंबर पे है, 3y प्लस 1 by 4y इसका होल क्यूब, ठीक। ये सवाल हम करते हैं, क्या करेंगे वेरी सिंपल, जैसे हमने पढ़ा है a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस बी क्यूब, ठीक। उसी पे करते हैं, पहला पद यहाँ पे क्या है 3y, ये हो जाएगा हमारा 3y की घात तीन या क्यूब प्लस थ्री इंटू थ्री वाई, थ्री इंटू थ्री वाई इंटू दूसरा क्या है वन अपॉन फोर वाई, दूसरा है वन अपॉन फोर वाई, ठीक है। और ब्रैकेट में क्या रहेगा जो यहां पे लिखा है इसको एज इट इज हम ब्रैकेट में लिख देंगे, थ्री वाई प्लस वन अपॉन फोर वाई, ठीक है। यस सर। और लास्ट क्या है आपका वन अपॉन फोर वाई इसका क्यूब, वन अपॉन फोर वाई इसका क्यूब कर देंगे, ठीक है। ये हमने इसको ब्रैकेट को ओपन किया किससे, ये जो आइडेंटिटी है हमारे पास इसी फार्मूले से, ठीक। यहाँ पे तीन है, तीन की घात तीन थ्री क्यूब क्या होता है तीन गुणे तीन गुणे तीन, गुणा करो तीन तरीके नौ तरीके सत्ताईस, और y की घात तीन क्या हो जाएगा इसका ऐसे लिखेंगे y घात तीन प्लस y यहाँ ऊपर है या नीचे, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, ठीक है, क्योंकि बीच में गुणा है, तीन यहां से तीन यहां से कितना हो जाएगा तीन तरीका नौ, और नीचे क्या है चार, चार नौ बटे चार, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा थ्री वाई प्लस वन अपॉन फोर वाई।
y plus ये आपका हो जाएगा वन अपॉन चार की घात तीन, कितना होगा चार चौके सोलह चौके चौसठ, चौसठ वाई की घात तीन, ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, इसको हम और सवाल करेंगे, मतलब इसी में छोड़ देते हैं, एक सवाल हम और करते हैं। ठीक है, एक सवाल जो बहुत पूछा जाता है, देखिए एक इस तरह का सवाल आता है, जैसे x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू दे दी जाएगी, ठीक है, कुछ भी लिख देंगे यहाँ पे, और हमसे पूछा जाता है x क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब क्या होगा। ठीक है, तो इसी पे आधारित एक सवाल है, 2x क्या है 2x प्लस 1 बाई 2x और ये बराबर है 5 बाई 2, किसके है 5 बाई 2 के, किसके बराबर है 5 बाई 2 के। तो इसमें वैल्यू पूछी गई है, एट एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन 8x³ बराबर क्या होगा। ठीक है, यस सर, जो देखने में बड़ा कठिन लग रहा है ना, यस सर, लग रहा है, कुछ नहीं लगा, ये आपको दिया गया है 2x प्लस वन अपॉन 2x बराबर 5 बाई 2। ठीक है, हम इसको क्यूब कर देंगे, क्या कर देंगे, दोनों तरफ यहां लिखेंगे, दोनों तरफ घन करने पर, क्या करने पर, घन करने पर, क्यूब की हिंदी घन, घन करने पर ये हो जाएगा 2x प्लस 1/2x की पावर 3 बराबर 5/2 की पावर 3। ठीक, yes, और यहाँ आप लगाइए फार्मूला, कौन सा, a प्लस b की होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस 3ab a प्लस b प्लस b क्यूब। ठीक है, yes, तो ये हो जाएगा आपका 2x की पावर 3 प्लस 3 × 2x इंटू 1/2x इंटू 2x प्लस 1/2x प्लस 1/2x की पावर 3। और दूसरी तरफ क्या होगा, 5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 3 और ये होगा 125 अपॉन 8, 5 × 5 × 5 25, 25 × 5 = 125 और ये 2 की घात 3, 2 × 2 × 2 2 × 4 × 8 125/8। इधर क्या होगा आपका, ये हो जाएगा 8x³, कैसे 2 की क्यूब क्या होगा 2 × 4 × 8 और x × x × x × 3 और ये आपका कट जाएगा, यहां से बचेगा 3 और ये वैल्यू 2x प्लस 1/2x बराबर 5/2 यहां लग दो × 5/2 प्लस ये हो जाएगा 1/8x³ बराबर 125/8। ठीक है, यस सर, 125/8 इसको थोड़ा इरेज करते हैं, यहां लिखेंगे क्या मिला हमको, 8x³ प्लस 125
3 into 5 by 2 plus 1 upon 8x cube बराबर 125 बटे 8। ठीक, चलिए इनको ले जाइए उधर, इनका घर उधर है। इधर हम चर को रखते हैं और दाहिने पक्ष में अचर को। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 8x क्यूब प्लस 1 बाई 8x क्यूब बराबर 125 बटे 8 माइनस, इधर प्लस है, साइड चेंज होगा तो माइनस हो जाएगा, 3 × 15 बटे 2, और 2 का एलसीएम 8, ये हो जाएगा 125 माइनस 2 चौके 8, 4 को 15 से गुणा करेंगे 60, 125 में से 60 घटाएंगे 65, 5 में से 0 गए 5, 12 में से 6 गए 6, 65 बटे 8। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो गया, 8x क्यूब प्लस 1 अपॉन 8x क्यूब बराबर 65 बटे 8, यही निकालना था हमको ना। यस यस, दिया क्या गया था, 2x प्लस 1 बाई 2x बराबर 5 बाई 2, तो पूछा क्या था, 8x क्यूब अपॉन 1 बाई 8x क्यूब, तो हम लोग क्या किए, कुछ नहीं, सीधे क्यूब कर दिए, फिर हमारा ये फार्मूला है, a प्लस b का होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3ab, ब्रैकेट में a प्लस b प्लस b क्यूब, उससे हमने इसको क्या किया, ओपन कर दिया, हो गया 2x की पावर 3 प्लस 3 इंटू 2x इंटू 1 बाई 2x, ब्रैकेट में 2x प्लस 1 बाई 2x, और थर्ड टर्म इसका है 1 बाई 2x की पावर 5 बाई 2, और दूसरी तरफ दाईं तरफ हो जाएगा 5 बाई 2 की क्यूब, 5 की क्यूब करेंगे 125 और 2 की क्यूब करेंगे 8, 2x प्लस 1 बाई 2x दिया गया हमको 5 बटे 2, वो हमने यहाँ वैल्यू रखी, फिर साइड चेंज किया। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड में हम अचर रखते हैं पर चर, और राइट हैंड में अचर अचर, तो चर चर को एक जगह, अचर अचर को एक जगह, नहीं तो झगड़ा करेंगे। ठीक है, तो हमें मिल गया 8x क्यूब प्लस 1 बाई 8x क्यूब बराबर 125 अपॉन 8 माइनस 15 बाई 2, लघुत्तम लेके घटाएंगे तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 65 बटे 8, 65 बाई 8।